ग्रेटर नोएडा वेस्ट से अगली खबर है, जहां 20वें फ्लोर पर अटकी रही लिफ्ट। 15 मिनट तक फ्लोर पर लिफ्ट अटकी रही। गार्ड ने मशक्कत के बाद लोगों को बाहर निकाला। लिफ्ट अटकने से सोसाइटी के लोगों में दहशत है। महिला समेत 4 लोग लिफ्ट में फंसे थे और गौर सौंदर्यम सोसाइटी का ये पूरा मामला है। तो गार्ड ने कड़ी मशक्कत की, जिसके बाद लोगों को बाहर निकाला गया और सोसाइटी के लोगों में इससे दहशत का माहौल भी एक तरह से बना हुआ है, क्योंकि लिफ्ट इतनी ऊपर जाकर अटकी। 20वें फ्लोर पर देखिए लिफ्ट अटकी रही, कुछ भी हो सकता था, कोई भी हादसा होने का खतरा यहाँ पर बना ही रहता है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है इस तरह की कई घटनाएं कई सोसाइटीज से पहले भी सामने आई है, जिसमें कई लोगों को जान का नुकसान भी हुआ है। ऐसे में कहीं ना कहीं डर मन में बैठ जाता है जब लिफ्ट बंद होती है। जाहिर तौर पर कुछ लोगों को घबराहट भी लिफ्ट के बंद होने पर होने लगती है। ऐसे में काफी जानलेवा भी ये साबित हो सकता है। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता रजत कुमार मेरे साथ ग्रेटर नोएडा से लाइव जुड़ गए हैं। रजत, क्या जानकारी फिलहाल, क्या लिफ्ट की मरम्मत हो गई है? क्योंकि लोग फंस रहे हैं, मशक्कत के बाद गार्ड को बाहर निकालना पड़ रहा है, इतनी लापरवाही कैसे सामने आई? देखिए, बिल्कुल, यूपी में लिफ्ट कानून लागू हो चुका है, लेकिन जो बिल्डर्स हो गए उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। अक्सर हम देखते हैं ग्रेटर नोएडा वो क्षेत्र है जहां पर हाई राइज सोसाइटी बनी हुई है। जो ताजा मामला है वो गौर सौदर्य सोसाइटी का, जहां पर एक लिफ्ट 20वीं मंजिल पर तक जाती है, जिसमें 4 लोग सवार थे। तो सोचिए कि भीषण गर्मी में उन लोगों पर क्या बीत रही होगी। कड़ी मशक्कत के बाद जो सुरक्षा कर्मी थे, जो कि वहां पर तैनात थे, जब उन्होंने लिफ्ट का दरवाजा खटखटाया तो सुरक्षा कर्मी पहुंचे। 20 मिनट के अंतराल वो लिफ्ट का दरवाजा खोला गया। सोचिए कि आखिर किस तरह से जो लापरवाही कह सकते हैं बिल्डर की, जो समय समय पर जो मेंटेनेंस है वो लिफ्ट का नहीं किया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से हायरा सोसाइटी होती है, लोग सपना देखते हैं कि हम सुरक्षित रहेंगे, अब एक कई लाखों रुपए देते हैं फ्लैट खरीदने के दौरान, लेकिन वो जो फैसिलिटी होती है या जो लिफ्ट होती जिस पर लोग चढ़ के ऊपर जाते हैं, जो कि मुख्य होता है, जब उन्हीं का ही मेंटेन नहीं होगा तो कहीं ना कहीं लोगों की जिंदगी के साथ तो बार हो रहा है। फिलहाल जो पीड़ित है उनका कहना है कि हम जो अथॉरिटी हो गए या जो जिम्मेदार अधिकारी हो गए उनके पास जाएंगे और जो सौदर बिल्डर है उनके खिलाफ शिकायत देंगे। आखिर जब हम इतना मेंटेनेंस देते हैं पर महीने 2 से 3 हजार रुपए सिर्फ लिफ्ट और जो सोसाइटी के देखरेख के देते हैं, लेकिन फिर भी जो सुविधाएं हैं वो रेजिडेंट्स को क्यों नहीं मिल रही है, तो काफी नाराजगी है रेजिडेंट्स में। ये कोई ताजा मामला नहीं है, इससे तमाम ऐसे मामले होते हैं जो कि लिफ्ट फंसने के मामले आते हैं, लेकिन जो प्राधिकरण जो पुलिस होती है उसको कहीं ना कहीं इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। जो जिम्मेदार जो मेंटेनेंस विभाग के अधिकारी है उनको तलब करना चाहिए, उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, तभी ऐसी जो लगातार जो मामले जो घटनाएं आ रहे हैं उस पर कहीं ना कहीं लगाम लग सकती है। बिल्कुल रजत, क्योंकि जब इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स होती हैं तो उसमें लिफ्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, और कोई भी शख्स अगर इतना पैसा देकर वहाँ फ्लैट खरीदता है तो उम्मीद यही करता है कि मेंटेनेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, जबकि मेंटेनेंस का पैसा भी वो हर महीने भरता हो। लेकिन फिलहाल देखना होगा कि इस पूरे मामले में क्या कुछ कार्रवाई आगे होती है और किस तरह से इस तरह के मामलों में रोकथाम सामने आती है। चलिए रजत, आप बने।